हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मणिपुरम फाइनेंस का लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो इसमें मार्च 20 का देखो रिजल्ट निकल गया है, इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों इसी के देखो बॉटम 74 रुपीज़ का बना हुआ था, क्या बॉटम तोड़कर फिर से एक बार नीचे जाएगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये मणिपुरम फाइनेंस में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दिया है, दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये सिर्फ लेटेस्ट अपडेट के बारे में ही होगा। दोस्तों पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखो इसका मार्च 20 का जो रिजल्ट आया, इसको मार्च 19 से के क्वार्टर से कंपेयर कर दीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों। देखो ये मार्च 2019 में देखो 1148 करोड़ का देखो इसका रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि बढ़कर देखो 1605 करोड़ का देखो बढ़ गया है, कितना अच्छा खासा देखो ग्रोथ हुआ है वहाँ पर। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखो 410 करोड़ था, वो बढ़कर देखो 565 करोड़ हो गया है। फिर यहाँ पर नीचे देख लेते प्रॉफिट बिफोर टैक्स 409 करोड़ था, जो कि बढ़कर 534 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट भी देखो 275 करोड़ से लेकर 395 करोड़ हो गया, देखो ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है, तो एक अच्छा खासा ये यहाँ पर साइन दिख रहा है देखो। और नेट एनपीए भी देखेंगे तो देखो यहाँ पर 0.30% बता रहा है 19 में, यहाँ पर देखो 0 बता रहा है, अभी तक कुछ उसमें नहीं हुआ है एनपीए। फिर यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा ईयरली का रिजल्ट भी देख लेता है, ईयर का देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो ये मैंने रेड कलर किया है, उसको मैं रीड करूँगा दोस्तों, ये टोटल करोड़ में बताया हुआ है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो 5217 करोड़ है 2020 में, वो देखो पहले देखो 4046 करोड़ था। और टोटल इनकम देखेंगे तो बी के नीचे देखो बताया गया, अदर इनकम को जोड़ के टोटल इनकम ए प्लस बी देखेंगे तो 5551 करोड़ 2020 में है, और देखो पिछले साल 19 में 4242 करोड़ था, देखो ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस को देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस देखो 2020 में 3543 करोड़ था करोड़ हो गया, और पहले देखो 2785 करोड़ था, वो एक्सपेंस भी बढ़ा है तो लेकिन इनकम भी बढ़ा हुआ है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 2007 करोड़ अभी हो गया है 2020 में, और पहले देखो 1456 करोड़ था। और टैक्स वगैरह देखो कट करने के बाद नेट प्रॉफिट का कितना आ रहा है, मार्च 2020 को नेट प्रॉफिट 1480 करोड़ हो गया है, जो पहले पिछले साल में मार्च 2019 में 948 करोड़ था पहले। तो देखो ये 56% का देखो नेट प्रॉफिट जंप लिया, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया है मणिपुरम ने। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर मार लेते हैं। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो प्रमोटर होल्डिंग 35% के आसपास है, और पब्लिक ने देखो 65% तक लगाया है। तो 65% का डिटेल एक बार देख लेते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड की 15 स्कीम ने देखो पैसा लगा करके 7% के आसपास। फिर DSP स्मॉल कैप फंड ने देखो 3.4% लगा करके, L&T म्यूचुअल फंड ने देखो 2.92% लगा करके। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखो 244 लोगों ने इसमें देखो अराउंड 39% तक देखो लगा के रखा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक 3 ने देखो 0.12% लगा कर, इंश्योरेंस कंपनी की 6 इंश्योरेंस कंपनी ने देखो 0.33% लगा के रखा हुआ है। और इंडिविजुअल हम जैसे लोगों ने कुछ 9% देखो लगा कर रखा है, जिसने 2 लाख के से कम जिसका है, और एक इंसान जो 2 लाख से ऊपर लगाता है वो 4.55%। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, ये हमें भी अपना इस पर बहुत विश्वास बढ़ा देता है अपना। दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आया था, इसमें देखो नमूरा कट्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 GDP फोकास्ट टू -5.2% फ्रॉम -0.4% अर्लियर। देखो ये नमूरा है वो ब्रोकरेज फॉर्म है, उन्होंने देखो पहले हमारे GDP का फोकास्ट किया था, मतलब फाइनेंशियल 2021 के लिए -0.4% दिया था, तो कि इसको और भी कम करके देखो और भी बेकार करके -5.2% कर दिया है दोस्तों। ये क्यों दिया उन्होंने, उन्होंने देखो ऐसा बताया है कि ये कि गवर्नमेंट का जो इन्होंने डिसीजन लिया है कि 12 लाख करोड़ देखो उन्होंने ये लोन उठाने का उन्होंने बात किया है, जो कि पहले उन्होंने गवर्नमेंट का देखो पहले 7.8 लाख करोड़ का लोन था, तो ये लोन का अमाउंट बढ़ने से उन्होंने बता दिया कि ये हम और भी पीछे जा सकते हैं, तो ये GDP का इन्होंने जो फोरकास्ट वो और भी घटाकर -5.2% कर दिया। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये देखो ये 20 लाख करोड़ का देखो ये पैकेज अनाउंस किया है, तो उसके लिए देखो ये 12 लाख करोड़ का ये लोन उठाया हुआ है, तो इस तरह से ही देखो ये हमारे GDP में असर पड़ेगा, तो हर एक कंपनी में भी असर पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो ये देखो ये 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे अभी मणिपुरम के शेयर के बारे में देखते हैं, इसमें क्या असर पड़ सकता है। देखो दोस्तों इसमें देखो अभी 74 रुपीज़ का देखो इसने बॉटम बनाया हुआ था मार्च महीने में ही, जैसे जब मार्केट 7500 के आसपास गिर गया था, उसके बाद देखो आप दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब भी मार्केट गिरा था मार्च महीने में,
वहाँ उस समय स्थिति कैसी थी दोस्तों, स्थिति अच्छी थी या ख़राब थी, आप खुद ही सोच के देखो। आप शेयर के रेट पे मत दे जाइए, शेयर अच्छा खासा ऊपर जंप ले रहा है क्या ले रहा है उसके बारे में आप सोचो, छोड़ो, आप खुद अपना दिमाग लगा के देखो। ये शेयर उस समय जब ये 74 तक गिरा था मनाफोरम का फाइनेंस, तो शेयर तो बहुत बढ़िया था, उस समय भी बढ़िया था, हर क्वार्टर में रिजल्ट ज़बरदस्त, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो देखो तो 74 रुपीज़ कैसे गिर गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखो ये सब मार्केट जब गिर रहा था तो सब के सब जैसे गिरते हैं तो अच्छे शेयर भी उसमें गिर जाते हैं। तो उसके मैं इसमें देखो मैंने अपना एक चार्ट में बना के दिखाया, इसके पहले भी देखो 71 के आसपास गिरा हुआ है, 60 के आसपास भी गिरा हुआ, लेकिन इसमें देखो फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए 55 के आसपास देखो ये बॉटम बना सकता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। तो इसमें हम एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जब भी देखो ये अभी जो कंडीशन देखो जो और भी वर्स्ट हो गया है, पहले जैसे कि देखो GDP का माइनस में देखो बताया था, तो उसके हिसाब से देखो ये GDP और भी घट के देखो अभी -5.2% होगा, पहले -0.4% था, अभी -5.2% हो गया। तो मतलब अभी तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, तो मतलब अभी के रिजल्ट शायद और भी ख़राब आ सकते हैं, जैसे कि दो क्वार्टर अगर टोटल एकदम बंद होगा तो रिजल्ट ख़राब आएंगे, तो ये हमारे इसमें स्टॉक के रेट पर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें मैंने सब नज़र में रखकर एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना के रखा हुआ है दोस्तों। इसमें देखो आप एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बार 74 रुपीज़ का ये जो बॉटम बनाया था उसको तोड़ के नीचे जरूर जाएगा, और उसमें देखो आप इस तरह से आप बाइंग स्ट्रेटेजी कर सकते हो। तो ये मैंने अपने एजुकेशन पर्पज से बना के रखा हुआ, ऐसा नहीं कि ये 100% पत्थर की लकीर बन के ये सही हो जाएगा। तो एक तरह से ये सब एजम्पशन बेसिस पर मैंने बनाया है कि देखो आप जैसा जो चल रहा है शेयर मार्केट में, शेयर ऊपर जा रहा है नीचे, उसी पर आप नज़र बना के रखोगे बिना कोई न्यूज़ के, कुछ अपना दिमाग नहीं लड़ाओगे तो दोस्तों आपको बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना है, हर एक लोगों को सुनना है और फिर अपना उसमें डिसीजन लेना है आपको। तो उसमें देखो मैंने इसे बाइंग स्ट्रेटेजी बना के रखा है, 10 शेयर आप उठाएंगे 75 रुपीज़ पर आ गया, फिर हर 5 रुपीज़ के फॉल पर देखो आपको लेना है 10 शेयर, फिर उठाएंगे जब 70 रुपीज़ आएगा, फिर 30 शेयर उठाओ 5 रुपये गिरने पर 65 रुपये पर, 30 शेयर उठाओ 60 रुपीज़ पर, 50 शेयर उठा लो 55 रुपये पर। दोस्तों ये मैं नहीं कहता कि ये तुरंत 55 रुपीज़ का रेट आ जाएगा या 75 के नीचे तुरंत चला जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे कि एक बार देखो मार्केट गिरना शुरू करेगा तो सीधे 75 से 70 65 तक गिर जाएगा, फिर अचानक से मार्केट ऊपर बढ़ने चालू कर देगा, फिर अचानक से बढ़ते बढ़ते सीधा वापस से 90 100 तक चला जाए, फिर वापस से नीचे गिर के बाउंस बैक, फिर 60 50 55 तक आए, फिर ऊपर चले, इस तरह से चलते चलते शायद 3 से 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है दोस्तों ये रेट आने के लिए। तो इसलिए ये बहुत लंबा समय तक ये चलता रहेगा, क्योंकि 2 क्वार्टर का रिजल्ट भी निकलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इस तरह से एजम्पशन बेसिस पर दोस्तों बनाया हुआ है। दोस्तों ये मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरा एजम्पशन बेसिस पर बनाया हुआ, तो आप अपना एजम्पशन बेसिस पर बनाकर इसके चार्ट को आप खुद चेंज करके अपने हिसाब से चेंज करके बना सकते हो दोस्तों। और जो भी एक्शन लेना है दोस्तों इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही आप अपना एक्शन लीजिएगा। और दोस्तों इस पर देखो मैं निफ्टी पर मैंने गिरावट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर दे दिया है, एक बार इस वीडियो पर जरूर देखिएगा तो आपको निफ्टी के चाल के बारे में थोड़ा पता चलेगा दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।